हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये थोड़ा सा रहस्यमय कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है अब बहुत तसल्ली से शांत मन से सुनिए क्यों? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सारे ज्ञान चक्षु आपके खुल जाएंगे यूजफुल है देखिए मेरे साथ क्या आपको पता है पहली चीज कि अल्किन्स का हाइड्रोजनेशन करके अगर आप अल्केन बना रहे हैं हाँ जी तो इसमें डेल्टा एच नेगेटिव होता है या हीट इज रिलीज पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि भैया ये एक्सोथर्मिक होता है ठीक है दूसरा एक बात बात और बताइए अगर मान लीजिए मेरे पास दो आइसोमर हैं जैसे ट्रांस टू ब्यूटीन और सिस टू ब्यूटीन ठीक है अगर मैं इनमें हाइड्रोजन लगाकर हाइड्रोजनेशन कराऊं कैटालिटिक वाला जो भी है तो दोनों में प्रोडक्ट तो सेम मिलेगा मुझे कौन सा ब्यूटेन ठीक है एक थोड़ा सा एनर्जी क्राफ्ट के दिखा दू आपको इसका टेंशन तो नहीं होगी आपको पता नहीं क्या वाले हो अरे बहुत आसान चीज है एक है सिस्टम की एनर्जी और दूसरी है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन फाइनली तो ब्यूटीन बननी है जी लेकिन रिएक्टेंट्स में एक बार सिस टू ब्यूटीन है एक बार ट्रांस और सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन होती है ट्रांस क्यों ऑपोजिट रूप है एक तरफ है थोड़ा रिपल्शन होता है उनमें तो लेस स्टेबल लेस स्टेबल को एनर्जी में क्या बोलते हैं लेस स्टेबल की एनर्जी ज्यादा होती है सिस टू ब्यूटीन प्लस हाइड्रोजन की एनर्जी ज्यादा थी और ट्रांस टू ब्यूटीन प्लस हाइड्रोजन की एनर्जी थोड़ी सी कम थी अच्छा इसका फल जानते हो जब पहले का रिएक्शन हुआ तो जो चेंज आया वो इतना आया अच्छा और जब दूसरे का रिएक्शन हुआ तो जो चेंज आया वो बस इतना आया हीट दोनों में रिलीज हो रही है पर अगर बहुत काम की बात बोलो ध्यान से सुनना इफ रिएक्टेंट इफ रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है देन हीट रिलीज कम है या ज्यादा देन लेस हीट इज रिलीज इन हाइड्रोजनेशन जैसे जैसे रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा कम कम हीट निकलेगी अनस्टेबल होगा तो ज्यादा हीट छोड़ देगा बशर्ते प्रोडक्ट पे ही बन रहा होगा ठीक है तो यही चीज हम यूज करते हैं कि पहली बात अच्छा इसमें यह भी है कि भी एक पाएबॉन्ड का हाइड्रोजनेशन कर रहे हो तो एक के हिसाब से हीट निकली दो, दो का करो तो ज्यादा निकलेगी जैसे ये देखो यहाँ दो दो पाई बॉन्ड है तो सिक्सटी पॉइंट एट किलो कैलोरी निकल रही थी हाँ यहाँ एक ही था तो उसकी आधी थर्टी पॉइंट आधी के आसपास थर्टी पॉइंट थ्री निकल रही थी बिल्कुल अच्छी बात है तो आप ये देखें कि यहां पर जैसे जैसे पाएबॉन्ड बढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजोजन बढ़ेगी तो इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ पाईबॉन्ड से अपॉन टू कर देंगे थर्टी पॉइंट फोर किलो कैलोरी मोल इससे फील आ जाएगी कि पर मोल ऑफ पाई बॉन्ड या पर मोल ऑफ हाइड्रोजन कितनी थी ऑफ हाइड्रोजनेशन ठीक है ये तो लगभग आसपास है तो पाई लगभग एक जैसे हैं यहां पर अट्ठाईस पॉइंट पांच यहाँ थोड़ी कम हीट निकली है हाँ जी अगर कम हीट निकली है तो इसका मतलब है ये कुछ ज्यादा स्टेबल अलकीन दिख रहा है कैसे अलकीन तो अलकीन ही है हाँ यहाँ पे देखिए ये है अल्फा कार्बन इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है यहां दो दो अल्फा कार्बन है और यहां तीन और दो पांच अल्फा हाइड्रोजन है ओ जैसे जैसे अल्फा की संख्या बढ़ती जा रही है अल्किन में हमने सुना था हाइपर कॉन्जुकेशन ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल पाए बॉन्ड होगा अल्किन में तो हाइड्रोजनेशन में कम हीट निकलेगी ये कॉन्सेप्ट है ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जी दोबारा बोल रहा हूं ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इज हाइपर कॉन्जुकेशन गैस मोर स्टेबल इज अल्कीन गैस तो लेस हीट इज रिलीज इन इट्स हाइड्रोजनेशन जैसे जैसे अल्कीन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा उसकी हाइड्रोजनेशन में कम कम हीट होगी रिलीज ऐसा हम कह रहे हैं ठीक तो मैग्नेट्यूड ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज प्रोपोर्शन ऑफकोर्स नंबर ऑफ पाईबॉन्ड्स नो डाउट उसे डिवाइड कर देंगे सेम पाइबोंड्स हैं तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एल्कीन स्टेबल होता जाएगा तो कम कम हीट छोड़ेगा हाइड्रोजनेशन में ऐसा है कंपेयर द हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स सेम कॉन्सेप्ट रिपीटेड है अब आपको अपने आप करना है करिए क्या करें क्या करें अल्फा हाइड्रोजन मार्क करिए अल्फा 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 12 अल्फा हाइड्रोजनस हैं यहां पे अल्फा 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 9 है छे हैं। छे हैं। तो छो मोस्ट स्टेबल थी तो लीस्ट होगी ए बी सी और डी में कैसे करेंगे सी और डी में सच तो यह है एक ही कार्बन पर लगी हुई है यहां अलग अलग कार्बन पर है अलग आ गई हां जी आई सो मोस्ट स्टेबल होती है वैसे कैसे थोड़ा सा अंदाजा हमें याद है है ना तो अगर सिस और ट्रांस में होता तो सिस और ट्रांस में ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस और इन सबसे भी ज्यादा स्टेबल होती है आइसोब्यूटलीन अच्छा तो बस ऐसा ज्यादा स्टेबल है तो लेस होगा जाएगा आइसोब्यूटलीन थोड़ी सी याद है ये ज्यादा अच्छा है ठीक इस तरह से कोई लॉजिक याद है तो लॉजिक वॉजिक तो सब दिए जा सकते हैं पर फंडामेंटली याद होनी चाहिए लॉजिक मैं आपको बता देता हूं लेकिन उल्टे लॉजिक भी हो सकते हैं इसलिए लॉजिक का महत्व यहां नहीं है फिर भी लॉजिक बताओ सुन लीजिए हाइपर कॉन्जुकेशन यहां से होगी अगर तो माइनस चार्ज इस पर आएगा ठीक है यहां से होगी तो माइनस चार्ज यहां आएगा और प्लस आई इफेक्ट से ये थोड़ा सा इस माइनस चार्ज को डी कर देगा तो जो मिथाइल ग्रुप यहां जुड़ा है वो एक्सटेंट ऑफ हाइपर हाइपरकॉन्जुकेशन थोड़ा सा कम कर देता है डी में एज कंपेयर टू सी ऐसा लोग कहते हैं इसलिए वो आइसोबिन को ज्यादा स्टेबल बता देते हैं क्योंकि उसमें एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुकेशन ज्यादा है ऐसा माना जाता है ठीक है आंसर ए बी सी डी बढ़ता हुआ क्रम है एनर्जी का या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का देखिएगा राइट चलिए